अलीगढ़ के हरदुआगंज तपीय विद्युत कासिमपुर पावर हाउस परियोजना द्वारा किसानों की जमीन का मुआवजा दिए बगैर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने कहा है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार अधिकारियों को नहीं बदला गया, जिससे किसानों को पिछले 4 सालों से उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला। लगातार शिकायत करने के बावजूद 4 बार पैमाइश के बाद भी किसानों को उनकी जमीन मुआवजा नहीं मिल रहा। जब किसान अपनी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं तो थाना जवा की पुलिस किसानों को जेल में डालने की धमकी दे देती है, जिससे मायूस किसान परेशान होकर जिला कलेक्ट्रेट गेट पर अनशन पर बैठ गए। हमारी जमीन कासिमपुर पावर हाउस वालों ने घेर रखी है, ना तो मुआवजा दे रहे ना जमीन दे रहे हैं। और हमने कई सब जगह शिकायत करी, सब जगह एप्लीकेशन दिए और ना कोई सुनवाई हुई। तो हम अधिकारी हुआ आपने यहाँ पे दिल्ली प्रशासन को दी थी, सब जगह कोई किस तरह का एप्लीकेशन मिला था? वो बोल देते हैं कि 8 दिन में 10 दिन में 12 दिन में 1 महीने का टाइम रख लेते हैं, अभी 2 महीने का टाइम दे देते हैं। अब हम सब जगह ऐसे एप्लीकेशन देकर परेशान हो गए, हम अब भूख हड़ताल पर बैठ गए और यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री तक हमने भेजी एप्लीकेशन। मुख्यमंत्री की तरफ से वहाँ से आपने भेजा था, क्या जवाब मिला था आपको? जीएम साहब ने जमीन की पैमाइश कराई थी। जीएम साहब ने जमीन की पैमाइश कराई थी। अब क्या कह रहे हैं? अब वो तो मना कर रहे हैं, ना जमीन दे रहे ना मुआवजा दे रहे। तो अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुआवजा न मिलने से किसान बेहद परेशान। उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 4 सालों से लगातार वो अपनी ज़मीन वापस मांग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी ज़मीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। दरअसल ये पूरा मामला अलीगढ़ के हरदुआगंज का है, जहाँ पर विद्युत कासिमपुर पावर हाउस परियोजना चल रही है। इसके बाद किसानों की ज़मीन का मुआवजा दिए बगैर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने कहा है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार अधिकारियों को नहीं बदला गया, जिससे किसानों को पिछले 4 सालों से उनकी भूमि का मुआवजा नहीं मिल रहा है। लगातार शिकायत करने के बावजूद भी 4 बार पैमाइश के बाद भी किसानों को उनकी ज़मीन मुआवजा नहीं मिल रहा। जब किसान अपनी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो थाना जवा की पुलिस किसानों को जेल में डालने की धमकी दे देती है, जिससे मायूस किसान परेशान होकर जिला कलेक्ट्रेट गेट पर अनशन पर बैठ गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो अलीगढ़ का ये पूरा मामला। और अब खबर अमेठी से है, जहां मुसाफिर खाना विकासखंड के रसूलाबाद का एक पूरा मामला है। यहां पर एक दारुल उलूम गौसिया तेगिया पंजीकृत संस्था संचालित होती है। संस्था के कुछ सदस्यों ने बताया कि संस्था का कार्यकाल 17 अप्रैल 2000 तक वैध है। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि संस्था के अध्यक्ष ने 16 अप्रैल को चुनाव कार्यक्रम का एजेंडा जारी कर दिया गया, लेकिन तय की गई तारीख में ना तो संस्था के अध्यक्ष मौजूद थे और ना ही नियुक्त कोई प्राधिकारी था। और यही नहीं, आरोप तो ये भी है कि सदस्यों को चुनाव स्थगित करने की कोई नोटिस और कोई सूचना नहीं दी गई। मिला एक मदरसे दारुल उलूम गौसिया तेगिया रसूलाबाद का है, 31/3/2021 को इरशाद हुसैन द्वारा एक एजेंडा जारी किया गया हम लोगों को कि 16 तारीख को सुबह 10 बजे से चुनाव प्रक्रिया है। हमारे बाइलाज में है कि 3 साल बाद इसका हम नवीनीकरण चुनाव करवाते हैं सदस्यों द्वारा। सुबह से 10 बजे से हम लोग मदरसा प्रांगण में मौजूद हैं, ना प्रबंधक ना मैनेजर कोई यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। ये लोग चोरी से चुनाव करा के अपने घर पे बैठ के फर्जी दस्तखत करके डिप्टी रजिस्ट्रार फैजाबाद करते हैं और कहते हैं कि हमने कार्रवाई पूर्ण करी। बाराबंकी में पुलिस ने बुलडोजर से तस्कर का अवैध निर्माण गिराया है। तस्कर शाइम गैंगस्टर एक्ट में वांछित है, सरकारी जमीन पर उसने अवैध कब्जा कर रखा था। तस्कर ने सालों से यह अवैध निर्माण यहां पर कराया हुआ था, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई से यहां हड़कंप मच गया। जैतपुर थाना क्षेत्र के टिकरा उस्मा में तस्कर शाइम के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। दूसरे जो तस्कर हैं उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है।
वहीं जहरीली शराब के खिलाफ बस्ती पुलिस लगातार अभियान चला रही है। उसी क्रम में छावनी थाना क्षेत्र के छतौना गांव में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में जहरीली शराब, शराब बनाने के मटेरियल और उपकरण बरामद किए। शराब बनाने वाले अभियुक्त राजा राम को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नदी किनारे बन रहे शराब के अड्डे पर अचानक छापा मारा। पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शराब बनाने वाले अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। थाना छावनी क्षेत्र अंतर्गत छतौना नदी के घाट पर दबिश दी गई, जहां पर बड़ी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण एवं उसके जो भी उसमें प्रयोग होने वाले पदार्थ बरामद किए गए, जिसमें यूरिया नौसादर भी बरामद की गई है और मौके से बड़ी मात्रा में लहन बरामद हुई जिसको नष्ट किया गया और लगभग 200 लीटर अपमिश्रित शराब भी वहाँ से बरामद की गई है। इस पूरे ग्रुप में से एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम राजा राम है। शेष अन्य व्यक्ति वहाँ से फरार हो गए हैं और थाना छावनी पर इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 102/2022 60 एक्साइज एक्ट और 272 IPC के तहत दर्ज किया गया है और इसमें जो अभियुक्त अन्य इसमें शामिल गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।